हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम मनीष शर्मा। मिस्ट्री ऑफ लव, प्यार के रहस्य पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई टीचर्स वगैरह नहीं बताते हैं, और वो भी बताते हैं तो खुलकर नहीं बताते। आई थिंक हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, द मिस्ट्री ऑफ लव, है ना? तो देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है ना? देखिए, ह्यूमन हार्ट अपन कल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना, ह्यूमन हार्ट अपन कल पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज अपन जो चीज़ पढ़ेंगे ना, वो देखिए, ह्यूमन हार्ट कब पढ़ सकते हैं? कल पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अपन कल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब अपन को ये चीज़ें पढ़ाते टाइम याद आती है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है ना। तो देखिए, क्या प्यार दिल से होता है? यही सवाल है, और इसी सवाल का जवाब दूंगा। कुछ लड़के या लड़कियां धोखा देती हैं, है ना? क्या इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। देखिएगा लास्ट तक, ह्यूमन हार्ट करने से पहले अपन ये चीज़ कवर करते हैं, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, है ना? ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं द मिस्ट्री ऑफ लव, है ना? प्यार का रहस्य, ठीक है ना? और आज के बाद ना, कोई किसी को प्यार व्यार मतलब वो संज्ञा वंज्ञा मत देना, ठीक है? तो देखिएगा, द मिस्ट्री ऑफ लव, आई थिंक द मिस्ट्री ऑफ लव, द मिस्ट्री ऑफ लव। वाह, क्या बात है! द मिस्ट्री ऑफ लव, प्यार का रहस्य, है ना? देखिए, प्यार के मामले में अपन ने मानव हृदय को इतना बुरा भला बना के रखा है बेचारे को, ठीक है? तो आज इसकी बात करते हैं। देखिएगा, द लव, प्यार क्या होता है ना? प्यार एक फीलिंग होती है भाई, फीलिंग। प्यार एक क्या होती है? फीलिंग होती है, ठीक है? और वो फीलिंग कहाँ से आती है? वो फीलिंग ना तो हार्ट से आती है, ना कहीं उससे। और वो फीलिंग आती है किसके कारण? हारमोन्स के कारण। किसके कारण? हारमोन्स के कारण, ना? अपन हारमोन्स के कारण ऐसी फीलिंग्स आती है। और दोस्त किसको दे बैठते हैं बेचारे को? हार्ट को दे बैठते हैं। किसको दे बैठते हैं? हार्ट को दे बैठते हैं, ना? तो वो हारमोन्स कौन कौन से जो हमें ये चीजें करने के लिए मजबूर करते हैं, ना? तो देखिएगा, द लव हारमोन होता है, उसका नाम होता है क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद रखना, द हारमोन, लव हारमोन का नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन याद रखना, ये चीज क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, है ना? इसके कारण ये सभी फीलिंग्स वगैरह आती हैं अपने, है ना? यार मैं उसका हो जाऊँ कभी, पता है ना, जब अपन आंखों में आंखें मिला के देखते हैं तो हमें वो हो जाता है, ये हो जाता है। दैट्स नॉट इम्पोस, दैट्स नॉट पॉसिबल यार। ये ह्यूमन का मतलब ह्यूमन हार्ट का काम नहीं है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन का काम है। वो है ना, वही करता है जो करता है वो। अपन बेचारे इसको तो झूठा ही बदनाम करके रखे हैं, है ना? देखिए, ऑक्सीटोसिन, है ना, इसके कारण ये सब चीजें होती है। तो देखिए, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, लव हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो अपने को क्या कंट्रोल किए हुए रखते हैं, क्या करते हैं? अपने शरीर को, बॉडी को कंट्रोल किए हुए रखते हैं। इसका क्या काम क्या है? ऑक्सीटोसिन का काम है भाई बस ओनली और फीलिंग्स को लाना। किसको लाना? फीलिंग्स को लाना, भावनाएं जिसको बोलते हैं ना, वही लाना, है ना? लेकिन तीन हार्मोन और है ना, उन हार्मोन्स का नाम है डोपामीन, याद रखना, डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन, दिखाई दे रहा होगा सबको, नोर एपिनेफ्रिन, सेरेटोनिन, है ना? तीन हार्मोन्स हैं, और इसके अलावा कौन कौन से? डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन, है ना? ये हार्मोन्स क्या करते हैं? अपन को खुश रखने का काम करते हैं। हम कभी कभी अपने दोस्त वगैरह जो मान लो कोई भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? भाई आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है यार, उसके अंदर क्या हो रहा है? डोपामिन और नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, वो भी किसमें? ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है ना। और ये तीनों हार्मोन्स और ये हार्मोन, है ना, दैट इज, ये सभी किसका काम करते हैं? लव का काम करते हैं। तीन ये और एक ऑक्सीटोसिन, यही लव का काम करते हैं, न कि ह्यूमन हार्ट। बेचारे को उसको बदनाम मत करो यार, उसको बदनाम करने से क्या फायदा है ना? तो चलिएगा, देखिए, ये तीन हार्मोन्स है ना। तो अब मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, है ना? जोक छोटा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा है ना? तो देखिएगा, जोक एक बार बाद में सुनेंगे अपन, जोक को छोड़ते हैं, पहले ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन, इन तीन चीजों की बात करते हैं, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। याद रखना, डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन तीनों क्या है? तीनों न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना, डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन क्या है? तीनों क्या है? डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन क्या है? तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। क्या है भाई? न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना? याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है तीन चार इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है ना, तो कौन सा होगा? डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरेटोनिन, है ना? और ऑक्सीटोसिन द लव हार्मोन, है ना? बेचारा इसका काम होता है फीलिंग्स का, इन तीनों चारों का काम होता है फीलिंग्स का, खुश रखना, रोमांटिक होना, है ना, किस विस करना, वो करना, ये करना, है ना,
इसका काम होता है, इन तीनों चारों का ये काम होता है। बिचारे को हम तो उसको तो बिचारे को जूठा ही अट्रैक्टिव कर रखा है, हृदय को तो जूठा ही बदनाम कर रखा है ना। तो देखिए इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा अपन ऑक्सीटोसिन को लेके चलेंगे है ना, और द मिस्ट्री ऑफ है ना, द रहस्य है ना, रहस्य किसका, लव हार्मोन का। तो देखिएगा ऑक्सीटोसिन, देखिएगा क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बात करते हैं, ये क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो अपन को किसके लिए, जैसे हम मान लीजिए किसी लड़की या लड़की आंखें मिला के देखते हैं है ना, उसके लिए फीलिंग्स लाते हैं है ना। लेकिन ये लेडीज में क्या होता है, ज्यादा कभी कभी लेडीज में ये क्या होता है, ज्यादा स्रावित होता है। जैसे लेडीज क्या करती है, अपनी वो चेंज करती रहती है, समझ गए होंगे, वो चेंज करती रहती है ना। मैं ज्यादा मतलब खुल के नहीं बताने वाला है यहाँ पे, हर चीज खुल के नहीं बताई जा सकती है ना। वो क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है ना। लेकिन लड़कों को क्या होता है, कभी कभी लड़कों में ये लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड उसका होता है। तो अपन क्या करते हैं, उस पर बिलीव कर बैठते हैं, बाद में अपन सोचते हैं यार वाह क्या बात है ना, थोड़े दिन बाद यार वो तो गंदा निकला है ना, अब मैंने तो उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं कहा कि वो छोड़ जाएगा, वो कर जाएगा ना। तो ये क्या होता है, थोड़े कम अधिक मात्रा के कारण होता है ना। तो देखिए ऑक्सीटोसिन है ना, ये क्या काम करता है, ये तीन चार काम करता है। एक तो प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रसव पीड़ा जानते हो ना, प्रसव पीड़ा, भाई प्रसव पीड़ा क्या होती है, प्रसव पीड़ा होती है जब बच्चा पैदा होता है ना, उस टाइम जो मतलब जो पेन होता है ना उसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा है ना। उस टाइम है ना डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब कभी कभी आपने देखा होगा दूध दूध का, गाय भैंसों के, गाय भैंसें देखी होंगी, उनके जब दूध कम होता है ना तो उनको इंजेक्शन मार के दूध निकाला जाता है ना। वो क्या करता है, यही ऑक्सीटोसिन ठोका जाता है उसके अंदर है ना, उनके अंदर भी क्या ऑक्सीटोसिन ही ठोका जाता है, ठीक है, ठोका का मतलब लगाया जाता है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध के स्रावन को बढ़ाता है, दुग्ध के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। ये तीन चीजें बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज और है ना, एक चीज क्या है भाई, ऑक्सीटोसिन है ना, आपने देखा होगा बहुत से कृषि जो एग्रीकल्चर फील्ड है ना, उनमें सब्जियों को बहुत तेजी से तैयार करने के लिए है ना इंजेक्शन लगाते हैं, और 2 घंटे 2 घंटे या 2 दिन बाद वो फल फ्रूट मोटे बड़े हो जाते हैं ना। ये किसका कारण होता है, ये भी किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। फलों का बड़ा होना, अचानक से बड़ा होना किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है ना। द ह्यूमन हार्ट का काम बिचारे का केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके क्या होता है, परिवहन करना होता, ना कि लव करना। लव किसका काम होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है। और ये लेडीज के अंदर ज्यादा कम अधिक, कभी कम कभी अधिक, अधिक कभी कम कभी अधिक होता रहता है ना। इससे वो क्या करती है, अपने बीएफ वगैरह चेंज करती रहती है ना, और बोलते बाद में बोलते हैं क्या मैं उससे खुश नहीं हूँ है ना। तो आपको इस बात पर एक जोक सुनाता हूँ, जोक के लिए यहाँ पे ठहरिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी मतलब ये वीडियो एक ऐसी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी है, क्योंकि ये तीन चार छोटे छोटे सवाल भी है और इसमें एक छोटा सा नॉलेज भी है, जिसे हम बोलते हैं यार उसने धोखा दे दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, वो कर दिया। अरे कुछ नहीं तोड़ा, अगर होता ना ऐसा, ऐसा होता ना तो कब का भगवान के पास चले जाते। बस उसका तो नाम बदनाम कर रखा है, किसका, ह्यूमन हार्ट का, तो है ना। उसका काम क्या होता है, केवल धड़कना होता है ना। फिर क्या बोलते हैं, यार मेरे सीने से लग के देखना कितना धड़कता है तुम्हारे लिए, यार ये तेरे लिए थोड़ी ना धड़कता है। अगर ये किसी के लिए धड़कता है क्या, नहीं मैं तो नहीं सोचता कि धड़कता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, धड़कता है, धड़कता है का मतलब क्या है, इसके अंदर जब खून आता जाता है ना तो लब उडब की आवाजें आती है ना, वो आवाजें अपन को क्या सुनाई देती हैं, और लड़का या लड़की बोलते हैं क्या यार ये तेरे लिए धड़क रहा है, देख ये तेरे लिए धड़क रहा है। अरे भाई ये नहीं धड़कता, ये किसका काम होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है ना। और ये गर्ल्स में कम अधिक होता रहता है, ज्यादा कम कम, ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। इसके कारण वो क्या अपने बीओ वगैरह चेंज करते रहते हैं ना। तो आपको इस बात पे एक जोक सुनाता हूँ, बहुत छोटा सा जोक है, जोक देखिए लिख के सुनाओ या ऐसे सुनाओ, सुनो लिख के सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। जोक देखिएगा, एक सन है, एक बेटा है, क्या बोलता है, आई एम इन लव, आई एम इन लव। सुनिएगा, एक बेटा है वो क्या बोलता है, आई एम नो है ना। तो उसकी फैमिली वाले क्या बोलते हैं, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या बोलते हैं, बेटा बोलता है मैं प्यार में हूं है ना, फैमिली वाले बोलते हैं दैट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू लीव हिम, यू हैव टू लीव हिम। क्या बोलता है, तुझे फैमिली वाले क्या बोलते हैं, तुझे छोड़ना चाहिए। तो क्या बोलता है, नो कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माई फीलिंग है ना। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है भाई, डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है, बेटा वन सेकेंड आई विल गिव यू है ना। तो क्या बोलता है, टेक दिस मेडिसिन, टेक माई मेडिसिन, टेक माई मेडिसिन, आई विल
ब्लॉक योर सीरेटोनिन सीरेटोनिन है ना, डॉक्टर क्या बोलता है, सीरेटोनिन ऑक्सीटोसिन है ना और डोपामिन। चलो देखो जोक का मतलब समझते हैं ना। बेटा बोलता है अपने घर वालों से, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं उससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ है ना। घर वाले क्या बोलते हैं उसको, नो ये संभव नहीं है, तू कैसे कर सकता है ऐसा है ना। फिर क्या बोलते हैं, नहीं तुझे उसको छोड़ना होगा, प्रेशर डालते हैं क्या, तुझे उसको क्या करना होगा, छोड़ दे होगा। तो बेटा क्या बोलता है, नो मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, घर छोड़ के चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो फैमिली वाले क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, नो बेटा दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट योर हार्ट्स वर्क, दैट्स योर हार्मोन्स वर्क है ना। क्या बोलते हैं, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरे हार्मोन्स का काम है, बेटा इस मेडिसिन को ले, मैं तेरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता हूँ है ना। क्या बोलता है, टेक दिस मेडिसिन, आई विल ब्लॉक योर, मैं तेरे हार्मोन्स को ब्लॉक कर दूंगा, कौन कौन से, डोपामिन सीरेटोनिन ऑक्सीटोसिन, ठीक है आई बात समझ में है ना। तो देखिएगा कोई लव वो नहीं होता, और होता है तो वो सिर्फ हार्मोन्स के कारण होता है, ना कि ह्यूमन हार्ट के कारण। बेचारे उसको क्यों दोष देते हो यार। ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन, हाँ आज अपन का अपना टॉपिक था ऑक्सीटोसिन है ना, ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ लव है ना, प्यार का रहस्य, ह्यूमन हार्ट कल से अपन स्टार्ट करेंगे।